बोल हरि कृष्ण। हाँ, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सचमुच से भगवान है क्या नहीं है। इसलिए क्या सचमुच से भगवान है कहती है करोड़ रुपया की क्वेश्चन है। और धीरे 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 धीरे, पहले तो हमारे हिंदू लोग सबके सब ठाकुर को मानते थे, सब मानते थे, लेकिन अभी ये अंग्रेजी संस्कृति आकर, कल्चर आकर के ना, धीरे 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 अब लोग तो सब बड़े बूढ़े हो, लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं जो लिखाई पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं ना, और जितना ज़्यादा लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं उतना नास्तिक बनते जा रहा है। इतने ये लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं कि भगवान किसने देखा है, बिना देखे कैसे भगवान को मान जाएंगे। हैं ऐसे कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग हुए वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, बोलने का नाते हमारे बच्चों को, ये बच्चे लोग लोग जाकर कॉलेज में पढ़ते हैं, हैं ये बच्चे ये कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, इसलिए कॉलेज में पढ़ने का नाते वहाँ तरह तरह का बात को सुनते हैं, सुन करके। और जो विदेश जो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो जो मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो नहीं मानते हैं, इसलिए बच्चे लोग भी ज़्यादा लिख पढ़ करके धीरे 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 नास्तिक बन जाते हैं, हैं धीरे धीरे नास्तिक बन जाते हैं। बोले भगवान को किसने देखा है, तुमने देखा है भगवान, नहीं देखे तो हम कैसे मान लेंगे भगवान है, हैं। इसलिए जितने भी हम भगवान को मानते हैं, लेकिन मन में तरह तरह का कन्फ्यूज है। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय एक गांव में लोग रहते थे, गांव को बाहर एक संत रह करके भजन करते थे। गांव वाले ने सोचा चलो हम संतों को बुला करके हम सत्संग सुनेंगे। तो संतों को बुलाया, बाबा तो आना नहीं चाह रहे, तो बहुत कष्ट से वो संत आए। आकर के गांव के सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो इकट्ठे हुए वो संत ने एक प्रश्न किया, बोले आप लोग सब भगवान को मानते हो, जो मानते हो हाथ उठाओ, जो मानते हो हाथ उठाओ, सबके सब हाथ उठाओ। बोले हम सबके सब भगवान को मानते हैं। तो वो संत ने कहा जब तुम लोग भगवान को मानते हो फिर मेरे को बुलाने का क्या मतलब रहा, तुम तो ऑलरेडी भगवान को मान ही रहे हो। संत लोग आखिर क्या बताते हैं, भगवान है, भक्ति करो, भजन करो, जीवन दुर्लभ है, तुम तो ऑलरेडी भगवान को मान ही रहे हो, पर मेरे को बुलाए क्यों। जब सब लोग ने सबका हाथ उठाया वो संत चले गए। गांव के लोग तो दुखी हो गए, बोले बाबा तो आ ही नहीं रहे थे और इतना कष्ट से बुलाए, और आए तो फिर वो चले गए। बहुत कष्ट से फिर बुलाया, बोले बाबा और एक बार आओ सत्संग सुनाना। सब लोग ने कहा देखो इस बार अगर बाबा आए तो हाथ कोई नहीं उठाना, नहीं तो बाबा फिर चले जाएंगे। फिर संत आए, बोले कौन कौन भगवान को मानते हो हाथ उठाओ, इस बार तो कोई हाथ नहीं उठाए, कोई भी हाथ नहीं उठाए। बोले जब तुम लोग भगवान को मान ही नहीं रहे हो संतों को क्यों बुलाते हैं, संतों को बुलाते क्यों, भगवान के बारे में हम कुछ समझ आए, लेकिन तुम लोग भगवान को मान ही रहे नहीं रहे हो, जब मान ही नहीं रहे हो फिर हमको बुलाने का क्या मतलब। संत चले गए, हमको दुखी हो गए, भैया हाथ उठाओ तो, हाँ गड़बड़ी नहीं उठाओ तो गड़बड़ी, हाँ फिर दुखी हो गए। बोले देखो इस बार एक काम करियो, जब संत आए ना अगर पूछे एक ही प्रश्न पूछते हैं, आधा हाथ उठाना और आधा हाथ नहीं उठाना। अभी फिर संत आए, बोले कौन कौन भगवान को मानते हो हाथ उठाओ, पहले से ही बात कर लिया था आधा उठाना आधा नहीं उठाना, आधा लोग हाथ उठाए और आधा हाथ नहीं उठाए। जब हाथ जो आधा हाथ उठाए, बोले देखो जो लोग आधा हाथ उठाए जो नहीं उठाए आप उनको समझा देना, हाँ उनका आप समझा देना। और बाबा वहां से चले गए। बोले भैया ये क्या, देखो हम भी ऐसे भगवान को तो मानते हैं, लेकिन मानने पर भी ना हमारे अंदर में शंका है, हमारे अंदर में बहु क्या सचमुच से अगर कोई नास्तिक व्यक्ति आकर के बोल दी तो क्या भगवान को देखे हो, बोले नहीं देखे। बोले चीज जो देखे नहीं हम तुम कैसे मानेंगे, जो चीज तुम देखे नहीं तुम कैसे मान लोगे, भैया हम तो भगवान भगवान नहीं मानते, सब बेकार बात है। अगर भगवान होते तो संसार में इतने दुख कष्ट फिर क्यों, अगर भगवान होते तो अगर सब कुछ देख रहे इतने दुख कष्ट हम क्यों भोग कर रहे हैं, सब बेकार बात है। ऐसे कुछ कुछ नास्तिक लोग है ना, वो ऐसे ऐसे कुछ बात बोलते हैं जो आस्तिक लोग उसको सुन करके बुद्धि भ्रमित हो जाता है। इसलिए हमें इसकी सचमुच से उसको उत्तर सही सही सुननी चाहिए। अगर हमें कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो जैसे उसका उत्तर हम दे सकते हैं। कहते हैं हम लोग जो विश्वास करते हैं, जो चीज देखते हैं ना उसको ही विश्वास करते हैं। साइंटिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो चीज देखे नहीं हम उसको कैसे विश्वास कर सकते हैं।
लेकिन जगत में देखना, जगत में ऐसे कुछ चीज है जो दिखता नहीं, हम विश्वास करते हैं। जैसे तुम्हारे पिता कौन है बोलो? लोकेश। लोकेश, तुमने देखा है जन्म लेते समय? तुमको पता ही मेरे पिता, तेरे ज्ञान है मेरे पिताजी। पर मैया कौन है? देखा सुने। इसलिए जिस समय तुमने जन्म लिए हो, तुमने देखा था माँ से जन्म हुए, तो कुछ पता है क्या? कुछ पता ही नहीं। आप देखना जो जो बच्चे कभी कभी किसका बच्चा नहीं होता है ना, किसके बच्चे को बचपन में ले लेते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चले इसका बेटा बच्चा है। और बचपन से जिसको देखता है ना बच्चा, उसको ही अपना पिता माता मानते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा जो असली पिता माता को पिता माता नहीं बोलते, वो जो उसको लिया है ना, भरण पोषण किया, उसको ही पिता माता मानते हैं, हैं? वो एकदम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए फिर तुम देखा नहीं, फिर हम कैसे मानते हैं? मानते हैं कैसे? जब मैया बोलती है ये तेरे पिता है, मैया बोलती है तेरे चाचा है, ये तेरे काकी है, ये तेरे बुआ है, हा? एक एक बताते ना, फिर हम चीज को मानते हैं। पर ये चीज देखे नहीं तुम कैसे माने? और देखो, तुमको हवा दिख रहा है? दिख रहा है हवा, लेकिन तुम मान रहे कि नहीं कि हवा कोई चीज है? मान रहे हो ना? हाँ, ये महसूस होती है हवा। इसलिए कहते भैया आज ठंडा लग रहा है, आज ठंडा लग रही है। बोले क्या दिख रहा है ठंडा तुम्हें? आज गर्मी, आज गर्मी हो रहा है, तुमको क्या दिख रहा है गर्मी है? लेकिन महसूस होती है। इसलिए हवा नहीं देखने पर भी ये चीज को हम मानते हैं हवा। इसलिए हमारा जो शरीर है ना, वो दो चीज से बनी है, कहते एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब ऊपर से हमें जो ये दिखता है, सूक्ष्म मतलब हमें जो चीज नहीं दिखती है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको ये सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो शरीर तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम लोग समझ रहे कि नहीं? देखो तुम अच्छे तरह से ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, कोई अगर कुछ बोले ना, जैसे उसका आंसर दे सकते। हम चाहते तुम लोग भी ऐसे प्रचार करना। यूट्यूब में देखना कितने लड़कियां कथा बोलती हैं, कितने लड़कियां कथा बोलती हैं। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहना, तैयार होकर भगवान की कथा सुनाना, ठीक है ना? अच्छे तरह से। इसलिए कहते जैसे मन, क्या मन दिख रहा है किसको? हम कहते ना इसका मन बड़ा गंदा है, इसका मन बड़ा गंदा। कहते भैया इसका मन तो बड़ा अच्छा मन है, लेकिन ये चीज को मन क्या दिख रहा है? लेकिन उस चीज को हम मान रहे कि नहीं? मान रहे कि नहीं? कैसे मान रहे? उसका एक्टिविटी, उसकी क्रियाओं को देख करके ना हम मानते भैया ये आदमी, इसका मन बहुत अच्छा मन है, इसका मन बहुत गंदा मन। लेकिन नहीं मानने पर मन को मान रहे कि नहीं? हाँ। बुद्धि, हम कहते भैया ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हाँ? किसको कहते भैया ये तो एकदम निर्बुद्धि, इसका कोई अकल है ही नहीं, क्या दिख रहा है तुम्हें अकल? मगज निकाल कर देखो उसको, दिखेगा तुमको? दिखेगा तुमको? दिखेगा? लेकिन हम मानते कि नहीं? हाँ, बुद्धि दी कि नहीं रही, उसको मानते कि नहीं? क्यों? ये चीज को हम महसूस करते हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट है, ये बड़े पॉलिसी है, ये बिना देखे भी मानते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार, हम कहते हैं ये तो बड़ा अहंकारी है, हाँ? ये बड़ा अहंकारी व्यक्ति। कहते भैया ये व्यक्ति बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा सरल व्यक्ति है। किस चीज को, क्या अहंकार तुम्हें दिख रहा है? क्या अहंकार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन वो चीज को मान रहे कि नहीं? हम इस चीज को मान रहे हैं। इसलिए कहते ये मन, बुद्धि, अहंकार जो चित्त है, ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ये चीज नहीं देखने पर भी हम इस चीज को मानते हैं, नहीं कोई चीज एक है जगत में, है? इसलिए कहते हम लोग अभी सुन रहे थे ना, जो चीज हम महसूस करते हैं, हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रिया है। कहते जो पांच ज्ञानेन्द्रिया मतलब जो ज्ञान को आहरण करता है, है? वो चीज को कहते पांच ज्ञानेन्द्रिया है। लेकिन अभी जो सुन रहे थे, हमारे जो हमारे पास में चार जो चीज, ये दोष है, हैं? ये चार दोष हमारे अंदर, ब्रह्म, प्रमाद, कर्णपट और विप्र, विषा, पांच ये दोष। अब लोग कभी गाड़ी में जाते हो, गाड़ी में कभी चलते होंगे, अब देखना अब जब चलते हो, चलते समय जैसे रोड में बहुत गर्मी पड़ रहा है, हैं? बहुत गर्मी पड़ रहा है, अब देखना रोड में तो गर्मी पड़ रहा है, लेकिन दूर से कभी कभी पानी पानी दिखता है, हैं? दूर से पानी पानी, लेकिन जब तुम पास में जाओगे ना, देखना पानी नहीं, पानी है ही नहीं। फिर तुमको ये आंख धोखा दिया कि नहीं? ये भ्रम है। इसलिए एक चीज में एक चीज को देखना, इसलिए इसको कहते हैं भ्रम है। तब फिर ये आंख तुम्हें धोखा दिया कि नहीं? तुम कहते हो भैया आंखों से जो चीज देखेंगे उसको ही तो मानेंगे। अब देखना कभी कभी छोटे छोटे प्लान होता है,
बहुत जब तेज घूमती है, देखना वो घूम रहे थे ऐसे, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़े घूम रहे हैं उल्टा है, और उल्टा कभी दिखता है लेकिन घूम रही है ऐसे, लेकिन क्या दिखेगा ये घूम रही है उल्टा। अगर हम सोचेंगे आंखों में जो चीज देखेंगे उसको ही हम मानेंगे, भैया तुमका आंख है तो धोखे दे दिया, तुमको धोखे दे दिया। फिर इसलिए हम जो चीज देखेंगे वो चीज को विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पांच ज्ञानेंद्रियों को तरह हम जैसे बहुत ज्यादा गर्म पानी में तुम हाथ डुबो दो, बहुत ज्यादा गर्म पानी में, उससे थोड़ी सी कम गर्म पानी में हाथ डुबोगे ना तुमको ठंडा लगेगी, तुमको ठंडा लगेगी, क्या सही है? नहीं। इसलिए कान में दूर से कोई चीज बोल दिया लेकिन कभी कभी देखना हम गलत सुनकर गलत काम कर डालते हैं, बोले आपने तो बताया, बोले मैंने क्यों बताया, मैं तो बताया नहीं बात को, मैं तो घर था ये करने के लिए। इसलिए यदि ये चक्षु कर्ण नासिका जीवा जो त्वचा है कभी कभी ये हमें धोखा दे देती है। इसलिए अभी प्रश्न है पर भगवान है कि नहीं ये चीज को कैसे हम मान सकते हैं? कहते जो सब का कारण का जो मूल कारण है वो कौन है? इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? जो कि सारे कारणों का जो मूल कारण है, सारे कारणों का जो मूल कारण है ये भगवान है, है? जैसे इसको पूछेंगे तेरे पिताजी कौन है, बोले लोकेश है। उनको पूछेंगे भैया तुम्हारे पिता कौन है, कौन दास जी, बनवाद दास जी, बोले उनको पिताजी कौन, कृष्णचंद्र जी, कितना बढ़िया नाम है। इसलिए पहले लोग इसे भक्ति का नाम रखते थे, उल्टा टुन्नो बुल्लो टिक्की चिक्की पिक्की ये सब नाम नहीं रखते थे, हाँ ये सब के सब सबके सब ठाकुर का नाम रखते थे, क्योंकि वो भागवत सुनते थे ना। आज हम कथा सुनेंगे, अजामिल ने अपना बेटा का नाम नाम नारायण रख लिया, तो वो नारायण बोलते बोलते मुक्ति हो गई, केवल बेटा का नाम लेते लेते मुक्ति हो गई। इसलिए पहले कहीं उल्टा पुल्टा सुलटा कोई नाम नहीं रखते थे, सब ठाकुर का नाम पर धराया करते थे, हैं? इसलिए अगर उनको पिताजी पूछेंगे, कृष्ण के पिताजी कौन थे, कृष्ण के गणेश उसको पिताजी प्रभु जी का तो बहुत सारे नाम याद है, उनको पिताजी और उनको पिताजी याद है। लेकिन आप देखना अगर ऐसे करते 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 अगर आप जाओगे ना, ऐसे करते करते अगर जाओगे वो लास्ट तक जो जाएगा, कल जो हम सुन रहे थे ये मनु महाराज हैं, मनु महाराज से दो बेटे हुए और उनका तीन बेटी हुई, कहते धीरे 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 आप जाओगे तो धीरे 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 लास्ट तक जाकर के देखोगे समस्त सभी का पिता का पिता का पिता का पिता है ना, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, लास्ट में भगवान तक जाएगा, ठाकुर जी का तक जाएगा। क्योंकि आज हम सुनेंगे जब भगवान सृष्टि करना चाह रहे थे उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान की और सृष्टि के लिए उनको बताए, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी सब कुछ मन से उन्होंने प्रकट किया है मानसिक, इसलिए ब्रह्मा से कौन हुए, कभी दक्ष प्रजापति भी हुए, दक्ष प्रजापति को उन्होंने आदेश दिया ये सृष्टि करने के लिए, फिर दक्ष प्रजापति ने धीरे 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 दक्ष प्रजापति सृष्टि प्रारंभ की, जब सृष्टि प्रारंभ की वहीं से धीरे 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 ये सृष्टि करते 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 ये हम तक आया है। इसलिए अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे पिताजी 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 तक जाओगे ना, लास्ट कहाँ तक जाएगा, भगवान तक जाएगा, पर ठाकुर तक जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, ये विश्व ब्रह्मांड का पिता बंधु भाई मैं हूँ। इसलिए हम लोग कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम। इसलिए हम सब लोग इसको मानते थे ना, सबके सब मानते थे, सब पुराने लोग यही मानते थे, हमारी परम पिता कौन है, परमात्मा परम पिता कौन है, ठाकुर जी हैं। लास्ट तक ऐसे करते करते लास्ट तक वहीं तक जाएगा, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है और राम ही हमारी असली पिता है। इसलिए जो समस्त कारणों का जो मूल कारण है इस जगत में, देखना आपसे एक प्रश्न करता हूँ, पहले अंडा हुआ ना पहले मुर्गी हुई है,
मुर्गी आई थी, पहले मुर्गी आई थी ना, लेकिन मुर्गी आई कहाँ से? प्रभु ने ही सबका जीव बनाया। अब पहले मतलब बीज पहले था ना, पेड़ पहले था, कौन बोलेगा सही सही बोले? कौन बोलता है बीज पहले था? पेड़ था, सबकी एक एक कलाकृति भगवान ने बनाई है, उससे तो फिर सब उत्पन्न हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर ना प्रश्न की सोल्यूशन निकलती है, इसलिए इसलिए अगर कोई बोलेगा पहले बीज था, बोले भैया बीज आया कहाँ से? बोले ये पेड़ से आया, पेड़ से आया। अब पेड़ बोलूंगा पेड़ कहाँ से आया है? बीज से। बोले बीज से, इसका कोई आंसर नहीं। इसलिए इसका इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं है। पेड़ था ना पहले बीज था, इसलिए पहले कुछ भी नहीं था, पहले ये पेड़ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, वृक्ष भी नहीं था। इसलिए भगवान कहते पिता अहम अस्य जगत, इसलिए भगवान कहते हैं जो अक्षय तीज आती है ना, वो अक्षय तीज आती है, आप लोग देखना सबके सब मंदिर में लेकर पंखा कुंजा में पानी देते हैं, वहाँ सत्तू देते हैं, वहाँ चावल सबके सब मंदिर में लेकर के फल चढ़ाते हैं। देखना अक्षय तीज का दिन सबके सब लेकर के मंदिर में, हमारे भारतीय संस्कृति सबके सब मंदिर में देते हैं। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है वो अक्षय तीज का दिन ही ठाकुर ने ये विश्व ब्रह्मांड को ने सृष्टि किया है। क्यों मेरी सृष्टि अक्षय बन करके रहे, ये क्षय नहीं हो, नष्ट नहीं हो, इसलिए भगवान बनाया। इसलिए जितने बीज, जितना पेड़, जितने पौधा, जितने जीव, जितने पशु पक्षी, जितने देख रहे हैं, वो अक्षय तृतीया दिन ही ये सबको सब सृष्टि हुई। इसलिए हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप ही तो हमें सब कुछ दिया है ना, पेड़ पौधा लता पता वृक्ष गेहूं जाओ आपने तो दिया हमको, आपको कृपा से तो मिला, इसलिए उसको ले करके क्या करते मंदिर में ठाकुर जी को देते हैं। आप लोग तुम लोग भी देखना हमारे गांव में देखते थे, पेड़ में सबसे कोई पहले फल आएगा ना, वो ले करके मंदिर में चढ़ा के ठाकुर को देते थे। बोले क्यों, तो इन्होंने तो कृपा करके दिया, अगर ये सृष्टि नहीं करता तो हम खाते कहाँ से? और हमारे देश में जो चावल होता है ना, हमारे देश में हम उड़ीसा के जब चावल होता है, धान होता है, उसको नवान्न कहते हैं। क्या करते हैं, जो पहले वो चावल खेती से निकलता है, हमारे श्री जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, पूरा उड़ीसा के लोग पहला जो खेती का चावल होगा उसको लेकर के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे, हैं लेकर वहाँ पर उसमें दूध है, खई है, किशमिश है, काजू है, फल है, उसको दे करके नवान्न बनाते, नात्र का बनाते, बना करके वो जगन्नाथ जी को भोग लगाते। बोले क्यों, अपने ही कृपा करके ये सब चीज आप ही हमें दिया, इसलिए हम उसको खा करके इंसान आपकी कृपा से हुई। इसलिए हमारे देखना पहले से जितने संस्कृत देखोगे, पहले जितने पुरानी संस्कृत देखोगे, इस सबके सब भगवान से जुड़ा हुआ देखोगे, सबके सब ठाकुर से जुड़े हुए देखोगे, सबके सब है, सब भगवान के बगैर और कुछ नहीं करते थे, केंद्र में भगवान होते थे, उनको चारों तरफ में सब घूमते थे, सब कुछ जो कुछ करे ठाकुर जी के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी धीरे धीरे ये अंग्रेजी संस्कृति आकर के ना, ये हमारी संस्कृति को धीरे 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 ये नष्ट करना ये शुरू कर दिया। इसलिए अगर हर चीज में हम देखेंगे लास्ट में जाकर के भगवान तक पहुंचेंगे। इसलिए एक छोटी सी कहानी सुन लो, बोले एक समय अकबर है, अकबर ने उसको मंत्री से उन्होंने दो प्रश्न किया, हाँ बीरबल से उन्होंने दो प्रश्न किया। दो प्रश्न में पहला प्रश्न था क्या भगवान है क्या नहीं, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था अगर भगवान है तो वो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने दो प्रश्न की, बोले देखो दो दिन में ये आंसर चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नौकरी तुम्हारी चली जाएगी। अभी बीरबल आकर बड़ी चिंता में पड़ गया, बोले दो दिन में भगवान है क्या नहीं, मेरे क्या पता भगवान है कि नहीं, पर अगर भगवान है तो फिर क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं। अभी तो बड़ी चिंता में पड़ गया, आकर खाना पीना तो बंद करके चुपचाप गुमसुम होकर बैठ गया। उसका के छोटा बेटा था, बोले पिताजी ऑफिस से आए और ये तो एकदम गुमसुम हो गए, जाकर पूछे बोले पिताजी क्या बात है, अब आकर भोजन नहीं कर रहे, बड़े दुखी होकर बैठे हो। बोले बेटा तू छोटा बेटा तू कुछ नहीं समझ, तू जा। बोले पिताजी एक बार बता तो सही बात क्या है। बोले देख बेटा मेरे को राजा ने दो प्रश्न किया है, भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान है तो भगवान क्या कर रहे हैं, अभी क्या पता भगवान है तो कहाँ फिर कर रहे हैं क्या, हमें क्या पता है, अगर दो दिन में इसका आंसर नहीं दूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी,
अरे नौकरी चले जाएगी तुमको खिलाएंगे क्या, इसलिए मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गया। बोले पिताजी छोटी सी बात के लिए आप इतना चिंता कर रहे हो, कोई चिंता मत करो, 2 दिन बाद में मेरे को साथ में ले जाना। और राजा अगर प्रश्न करे ना आप बताना ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न है, मेरा छोटा बच्चा उसका आंसर दे सकता है। बोले तू दे दोगे? बोले पिताजी कोई प्रश्न है, अब इसके लिए अभी चिंता में पड़े हुए, कोई चिंता मत करो, खाओ पियो मस्त रहो। अभी 2 दिन बाद में तब उन्होंने अपना बेटे को लेकर गए, राजा ने कहा आंसर लेकर के आए हो? बोले महाराज ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न है, मेरे छोटा बच्चा इसका आंसर दे सकता है। बोले बच्चा आंसर दे देगा? बोले और क्या। तो बच्चे से पूछा पहला क्वेश्चन, भगवान है तो कहाँ है बोलो। तो उन्होंने बोले महाराज जी 10 किलो दूध मंगाओ। तो उन्होंने 10 किलो दूध मंगाए। बोले महाराज ये बताओ इसके अंदर में घी है कि नहीं? बोले घी है। बोले मेरे को दिखा कैसे घी। बोले ऐसे थोड़ी घी निकलेगा, पहले गर्म करो हैं, फिर उसके बाद में जमाओ, उसके बाद में फिर मंथन करो, निकलेगा मक्खन, मक्खन को फिर गर्म करो, क्या निकलेगा घी। बोले महाराज जी साधारण दूध है, अगर दूध से घी निकालने के लिए इतना प्रोसेस बताए, ऐसे नहीं दिख जाती है। आप कह रहे हो भगवान है कि नहीं, कोई भगवान लड्डू थोड़ी है, बनाया और खा लिया। कहते यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरिचि। जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, जिनको बड़े बड़े देवता ऋषि वायु रथापि मन पुंगवा नाम, बड़े बड़े ऋषि श्वास बंद करके जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी जिनके चरण के नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जिनको दर्शन एक बार कोई कर लिया तो जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि सब दुख समाप्त हो जाते हैं। कितने कठोर तपस्या करते हैं उनको पाने के लिए। हैं ये कोई लड्डू है भगवान है कि नहीं, मेरे को दिखाओ है भगवान, ऐसे दिख जाएंगे? साधारण दूध से निकालने के लिए घी को इतना प्रोसेस बताया, इतना परिश्रम बताया, भगवान कहाँ है? इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने इसका प्रोसेस बताया है, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 है जाकर कोई फिर PhD डिग्री करते हो, उसी तरह भक्ति जगत में भी 8 स्टेज ऐसे है। आज हम लोग कथा में सुनेंगे पहला पहला श्रद्धा है, भक्ति का सबसे पहला श्रद्धा। जैसे आप लोगों का श्रद्धा है इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो, अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप बैठे यहाँ पर बैठे, ये श्रद्धा। उसके बाद में साधु संघ मतलब आए, फिर संतों से कथा सुनी है, कथा सुनी साधु संघ। उसके बाद में जब आपको पता चलेगा भैया जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते, ये 84,000 भ्रम के नरतन थे, इसलिए इसको ऐसे विषय में गमा नहीं देने, विषय में नहीं गमा देनी चाहिए, ये जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए। जब ज्ञान मिलता है जीव फिर क्या करता है, फिर माला लेकर प्रभु का भजन करना शुरू कर देता है। फिर भजन जब करोगे हृदय सारे अनर्थ दूर होगा, फिर प्रभु का प्रति धीरे धीरे रुचि होगा, निष्ठा होगा भाव, फिर प्रेम में भगवत दर्शन है, प्रेम में ठाकुर जी का दर्शन तभी मिलेगा है। इसलिए उसी तरह इसलिए भगवान को पाने के लिए प्रोसेस है, ठीक है ना। तो राजा तो खुश हो गया, बच्चा बड़ा सुंदर आंसर दिया, खुश हो गया। और उनका दूसरा प्रश्न था, क्या प्रश्न था, भगवान क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं। तब बच्चा ने पूछा आप कौन प्रश्न कर रहा है? बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा? बोले तुम। बोले देखो जो क्वेश्चन करता है स्टूडेंट होता है, जो आंसर देता है वो टीचर होता है, टीचर होता है ना, आंसर देता है, और जो टीचर ऊपर बैठता है और स्टूडेंट नीचे रहता है। हर तुम प्रश्न कर रहे हो सिंहासन में बैठी करके, अब मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, ये कोई नियम है? अगर इसका आंसर सुनना चाहते तो पहले निकलो वहां से, उतरो और यहाँ पर खड़े हो और मेरे को सिंहासन में बैठा और हाथ जोड़ करके मेरे को प्रश्न करो। राजा तो फंस गया फंस गया कि बच्चा क्या बोलता है। अभी उसको वहां से उतरना पड़ा और बच्चे को वहां बैठा है। बोले ठीक है भैया बताओ भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले तो भगवान यही कर रहे हैं, 1 सेकंड में एक मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, एक रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं, एक रोडपति को एक रात में करोड़पति बना सकते हैं, एक रात में उसको रोडपति बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? भगवान बना सकते हैं। अभी तुम था राजा, मैं था तुम्हारी प्रजा, भगवान ने क्या किया, प्रजा को ऊपर बैठा दिया और राजा को भगवान तो यही कर रहे हैं, बस खुश हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान दिखा, तुमने क्या भगवान को देखा,
भगवान दिखाओ, हमें दिखाओ। भगवान ऐसे थोड़ी दिखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी तो भगवान दिखेंगे ना। ऐसे थोड़ी भगवान दिख जाएंगे। और इसलिए भगवान बोले, कलयुग में भगवान को पाने का भगवान ने सबसे सरल उपाय बता दिया। कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, भगवान के नाम जप करो। भगवान के नाम से ही, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि नाम से ही भगवान मिलेंगे। हैं, कलयुग में केवल हरि नाम से ही भगवान तुमको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ये घर का मालिक कौन है, जैसे लोग, कैसे हम लोग कहाँ से आए? जयपुर से, वृंदावन से आए। जब वृंदावन से आए, इनके घर में कथा होगा, इन्होंने बुलाया। जब बुलाया, वहां से जब आए ना, सबसे पहले किसको घर में जाने के लिए आए? लोकेश। कहाँ पर रहते हैं? रामपुरा में। रामपुरा, और रामपुरा में यहाँ पर रहते हैं, कोटा में रामपुरा है, रामपुरा में इनका नाम लोकेश है। जब हम वहां से आए, सबसे पहले घर ढूंढने के लिए किसका नाम हमको जानना पड़ा? इनका नाम लोकेश। फिर वहां से आ करके, भैया लोकेश का घर कहाँ पर है? बोले ये तो लोकेश का घर है, कोतवाल के पीछे। इसलिए फिर हमने क्या किया, आए। कहते इसी जगत में देखो, जब किसी व्यक्ति को हम मिलना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम पता चलता है, हैं? नाम से। फिर ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति को हम प्राप्त करते हैं। उसी तरह हम जिसको पाएंगे, किसको पाना चाहते हैं? कृष्ण को, राधा रानी को पाना चाहते हैं। पहले क्या करो, उसको नाम को देखो। फिर और इसी जगत में शरीर, हमारा नाम और हम अलग है, नाम और हम अलग, लेकिन भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए सबके सब भगवान के नाम जप करो, इसी से ही शांति सुख। और ये नाम को द्वारा ही, कहते नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। भगवान को चिंता रहती है, मेरे नाम को जो पुकारते हैं, कभी इसका बदनाम नहीं हो भैया। इसलिए जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। साड़ी खेचत हार दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का। ठीक है, माला करते हैं कि नहीं? अभी आपको सबके सब बैठ कर एक माला करेंगे, ठीक है? इसको बाद में फिर जाना, अपना काम करना। और शाम के लिए हो सकता देखना, थोड़ा गुब्बारा वुब्बारा हो तो, हाँ बोला। और थोड़ा थोड़ा टब भी लुटाने के लिए ना, कुछ टब भी और कुछ खिलौना फिलौना सब ले आना। और शाम को बड़े धूमधाम से नंद का आनंद भयो जय कन्हैया, एक माला सबको दे दो। हेलो, ये माला लो सबके सब, माला दे दो सबको।